आज की वीडियो में देखेंगे जानेंगे कि जो पीवीसी मॉड्यूलर बोर्ड होता है उसकी वायरिंग किस तरह से की जाती है, हम किस तरह से उसको वायरिंग में फिट कर सकते हैं। फुल कनेक्शन ए टू जेड आज की वीडियो में पूरी जानकारी दी गई है। अगर दोस्तों आज आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके मन में कोई भी डाउट और सवाल नहीं बचेगा कि कैसे हम मॉड्यूलर पीवीसी बोर्ड की वायरिंग करते हैं ओपन केसिंग बिट वायरिंग में। तो दोस्तों वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और दोस्तों मेरे चैनल पे पहले ही बहुत सारी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो आ चुकी हैं, तो आप उन वीडियो को भी देखिए। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट और है, जो लोग वीडियो पर नए आते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में आपको इससे भी बेहतरीन बेहतरीन वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम मॉड्यूलर पीवीसी बोर्ड की वायरिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यह वो 4 मॉड्यूलर पीवीसी बोर्ड है जिसकी आज हम वायरिंग करेंगे। तो वायरिंग करने का 3 मेथड होता है। सबसे पहला होता है फेस की वायरिंग कीजिए, उससे नेक्स्ट होता है इन्वर्टर का वायरिंग कीजिए, और थर्ड में होता है हमारा जो न्यूट्रल का वायरिंग कीजिए, और उसके बाद होता है ग्राउंड का वायरिंग कीजिए। जनरली ग्राउंड किसी जगह नहीं होता है, यानी कि हर जगह नहीं अवेलेबल रहता है। तो सबसे पहले हमको फेस का वायरिंग ले लेना है। तो फेस का वायर लेने के बाद जो स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल है उसमें हमको इसको फुल टाइट करना है, लूज नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम अपनी हर एक वीडियो में बोलते हैं कि लूज बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर लूज रहेगा तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है और वह जल सकता है स्विच। तो यह हमारा 16 एम्पेयर का स्विच है और इसके साइड में हमारा 16 एम्पेयर का सॉकेट लगा है, जो हम इसे पावर बोर्ड के लिए यूज करने वाले हैं। पार्टी का कहना था कि एक पावर बोर्ड के लिए हमें 16 एम्पेयर का स्विच और 16 एम्पेयर का सॉकेट चाहिए, चाहे तो वो हीटर के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे प्रेस वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं, ये तो वही जाने कि वह किस लिए यूज करेंगे। तो हमने इसको बना रहे हैं और हमने सोचा कि इसको बनाने के बारे में अपने ऑडियंस को भी बताना चाहिए। तो सबसे पहले हमने स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में लिया है, और इसके बाद हम दोस्तों अपना जो स्विच का राइट वाला पॉइंट होता है, यानी कि एल वाला पॉइंट होता है, उसमें हम स्विच से जो आउटपुट हुआ है उस वायर को फुल टाइट कसेंगे, यानी कि लूज नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 16 एम्पियर का सॉकेट और स्विच लगा है तो लोड, जाहिर सी बात है लोड तो चलेगा ही, इसीलिए लूज बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो इलेक्ट्रिकल का कोई भी काम हो, छोटा हो या बड़ा हो, लूज नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों हमारा कनेक्शन पूरा हो चुका है, हमने स्विच से आउटपुट कर दिया है, जो हमारा खाली बचा है एन वाला पॉइंट, यहाँ पे हमारा जो वायरिंग से न्यूट्रल आया वो लगेगा, और आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ये बोर्ड लगाना है, तो इसका इसको गैंग बॉक्स बोलते हैं वैसे। तो सबसे पहले हमको मार्किंग कर लेना है, मार्किंग करने के बाद ड्रिल से होल मार लेना है। तो हम फटाफट से होल कर लेते हैं, आपको भी इसी तरह कर लेना। अगर आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है तो एक बर्मा भी आता है, यानी कि जिसे सुम्मी बोलते हैं, उससे भी आप ईजिली ड्रिल कर सकते हैं। तो हमने ड्रिल कर दिया है, और सबसे पहले अब हम जो हमारा गैंग बॉक्स है उसको लेंगे, यानी कि सॉरी नहीं, सबसे पहले हम इसमें गुट्टी लगाएंगे, और गुल्ली लगाने के बाद जो हमारा गैंग बॉक्स है उसको लेंगे, और जो ये वायर हैं, थोड़ा गुल्ली आपका रह रहा है तो आप उसको इस तरह से प्लायर या हैमर की मदद से ठोक सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये करने के बाद हमको अब जो हमारा पीवीसी गैंग बॉक्स है उसमें होके वायर को निकाल लेना है। वायर निकालने के बाद दोस्तों हमको सेंटर में लाना है, जो हमने होल किया था उसमें अच्छे से हमें स्क्रू टाइट करना है। ये हमारे इसमें 2 स्क्रू हैं, आप 4 भी कर सकते हैं। तो हमने इसमें 4 का होल मारा था, बट हमारे पास जो पार्टी बोल रही थी बोली 2 से भी कुछ नहीं होगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 2 लगा दिए हैं, और हम फटाफट से इसको फुल टाइट कर लेंगे। स्पीड हमने बढ़ा दिया है, आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, कि दूसरे चैनल्स की तरह की जो छोटी से छोटी चीज़ दिखाते हैं। दोस्तों ये चीज़ हम पहले ही अपने चैनल पे दिखा चुके हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे फास्ट कर दिया है। तो हम सारे स्क्रू कसने के बाद अब हमारा आता है सीट। सीट में कनेक्शन दोस्तों पहले ही हमने दिखा दिया है आपको किस तरह से करते हैं। अब सीट में कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले जो हमारे ये 2 वायर आई हैं, तो यहाँ पर हमने इनको छील दिया है। दोस्तों यहाँ पे 3 वायर आती हैं, जनरली तो 4 ही आती हैं जो सर्किट होता है, बट यहाँ पर इन्वर्टर का वायर नहीं डाला गया है, क्योंकि यहाँ पर पावर बोर्ड है, और जो पार्टी था, यानी कि जो जिनके घर में हम काम कर रहे हैं, उन्होंने बोला था इन्वर्टर का कोई ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पे, तो इसलिए हमने इन्वर्टर का वायर नहीं डाला है। अब दोस्तों सबसे पहले हम न्यूट्रल का पॉइंट कनेक्शन करेंगे, जो स्विच में हम प्लेट में हमारा जो सॉकेट में हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन खाली था, तो हम वहाँ पर जो वायरिंग से न्यूट्रल वायर आया है ब्लैक कलर का, तो उसको हम यहाँ पर टाइट कर देंगे इस तरह से। लूज बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी हर एक वीडियो में बताते हैं कि लूज नहीं रहना चाहिए, इलेक्ट्रिकल का कोई भी काम हो लूज तो रहना ही नहीं चाहिए, लूजिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। दोस्तों स्विच बोर्ड
से रिलेटेड वीडियो दोस्तों हमारे चैनल पर ऑलरेडी डाल चुकी हैं, तो मैं एक प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके देख सकते हैं। दोस्तों 12 मॉड्यूलर बोर्ड में इन्वर्टर कनेक्शन कैसे करते हैं वो भी हमारे चैनल पर वीडियो आ चुकी है। अब दोस्तों फेस का कनेक्शन हमें जो स्विच है उसके नीचे वाले टर्मिनल में टाइट करना है इस तरह से, और इसको फुल टाइट कर देंगे। फुल टाइट करने के बाद दोस्तों ये है बोर्ड हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब इसको हम कस देंगे इसमें अच्छे से इस तरह से, और इसके दो स्क्रू आते हैं उनको भी कस देंगे। दोस्तों आप यह जो खाली जगह देख रहे हैं यहाँ पे हम इंडिकेटर लगाने के बोल रहे थे, बट जो पार्टी के बोला कि हम यहाँ पे ब्लैंक लगा देंगे और इंडिकेटर नहीं लगाना चाहते हैं, तो इसलिए हमने ये खाली छोड़ दिया। अभी ब्लैंक हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जब ब्लैंक आएगा तो इसमें ब्लैंक बाद में लगा दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई है, और दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को कीजिए प्रेस, ताकि आपको मिले हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लें, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में आपको अंडरग्राउंड वायरिंग देखने को मिलेगी। जो अंडरग्राउंड वायरिंग के कोर्स हैं हम शुरू से जीरो से एडवांस तक लेके जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, गुड डे।